हेलो गाइस, वेलकम स्टार सर्विस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एयरफोर्स जो फॉर्म निकला है उसी का टारगेट लेकर आपको जीएस और इंग्लिश के वीडियो डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कंजक्शन से, जो कंजक्शन चैप्टर है इंग्लिश में, उसी से कुछ उसका जो मेन मेन पॉइंट है मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कंजक्शन से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स में आता है, तो ये मेरा दावा है कि आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग सब बना देंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो रूल है मेरा, आप यहाँ से देख सकते हैं, रूल फर्स्ट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो लिखा गया है, आइदर और नाइदर नॉर। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर। यहाँ से देख लीजिए, जैसे नॉट ओनली लिखा गया है और बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली यदि किसी सेंटेंस में पहले लगा हुआ है तो उसके लिए कंजक्शन बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। आइदर होगा तो और नाइदर होगा तो नॉर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं लिखा गया, यह हमेशा किसी दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे इस पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को इस पर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती कैन डू इट। नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती कैन डू इट। यहाँ से देखिए, नॉट ओनली जो है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉट ओनली, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो दीपक जो कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं बॉट ऑल्सो लिखा गया है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद मोती, ये भी एक लगभग नेम या ऑब्जेक्ट जो भी आप बोल सकते हैं कि है। तो यहाँ से नॉट ओनली और बॉट ऑल्सो ये दोनों क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ओके, तो ये था नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज हम लोग कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग इसी में आगे देखते हैं। जैसे कि ये आप क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, ही विल आइदर डू द वर्क इल्स रिटर्न द मनी। ही विल आइदर डू द वर्क इल्स रिटर्न द मनी, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे गलत है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पे आइदर है और यहाँ पे क्या है, इल्स है, ठीक है, आइदर और इल्स। तो आपको अभी ही वीडियो में बताया गया है कि आइदर जो होता है उसके साथ कंजक्शन और आता है, लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ देखें, यहाँ पे इल्स दिया गया है, तो ये आपका पार्ट 3 गलत हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नॉट ओनली, यहाँ से देखिए, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टे देयर, बट ऑल्सो स्टे देयर, यही क्वेश्चन है। नॉट ओनली गोज टू हाउस माई हाउस बट ऑल्सो स्टे देयर। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, इसमें भी एक कहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इसको गलत कहेंगे, कॉमन एरर में जब अगर ये आता है तो इसका एक नंबर गलत है। क्यों है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि नॉट ओनली जो है इसके तुरंत बाद क्या आया है, सब्जेक्ट ही आया है, लेकिन यहाँ जो बॉट ऑल्सो है उसके तुरंत बाद, यहाँ से बॉट ऑल्सो के बाद स्टे क्या आया है, स्टे आया हुआ है। तो स्टे तो आपका वर्ब हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ। तो जो सेकेंड होता है जैसे बॉट ऑल्सो, उसी के अनुसार देखा जाता है, उसके बाद वर्ब आया है तो नॉट ओनली के भी बाद वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर अगर बोलना हो तो हम बोलेंगे कि ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली गोज टू माई होम बट ऑल्सो स्टे देयर, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ से देख सकते हैं, ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हमको दो ही चीज़ देखना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के आस उसके जो तुरंत बाद वाला वर्ड है।
तो यहाँ देखिए बट ऑल्सो सेकेंड का देखा जाता है, तो सेकेंड में आप देख सकते हैं कि एन इन लिखा गया है, मतलब ये एक आपका नाउन है, ठीक है, ये क्या है, तो एक नाउन होगा। लेकिन यहाँ से नॉट ओनली, ये जो नॉट ओनली है उसके बाद देखिएगा, रुक एक मिनट, नॉट ओनली जो है तो उसके बाद टू ओपन क्या आया है, वर्ब आया हुआ है जो कि गलत है। तो अगर इसका आंसर बोलना होगा तो इसका आंसर आपका पार्ट टू जो है वह तो गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि टू ओपन नॉट ओनली ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कंजक्शन का नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑल्दो और दो के बारे में, ये होता क्या है, ऑल्दो दो से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो चलिए जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है ऑल्दो दो के बाद येट आता है, येट। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ आपको इसमें दिखा बोला भी गया है कि जबकि प्रॉब्लम हमेशा बट और इल्स का प्रयोग करके दिया जाता है, बट ये सारे चीज़ का प्रयोग करके दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे इस पर प्रॉब्लम कैसे आते हैं। चलिए जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, ऑल्दो ही इज रिच, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे आपको भरना है क्या होगा, ही इज डिसोनेस्ट। ठीक, तो अभी आपको बताया गया, यहाँ से देख सकते हैं ऑल्दो इसके साथ जो है येट का प्रयोग होता है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं बट है और है, येट है और नॉन ऑफ दीज इसमें से बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है, तो ऑल्दो येट, ये यहाँ पे हम लोग येट आंसर कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, और इस चैप्टर के बाद मैं लगभग 47 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराऊंगा, और अगर वो आप कर लेते हैं तो आप एयरफोर्स या कोई भी एग्जाम हो उसमें कंजक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आप यहाँ से देख सकते हैं बॉथ है, ठीक है, बॉथ जो कंजक्शन है उसके साथ हमेशा एंड आता है। ओके, जैसे अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टूडे, इसका हिंदी ये हुआ कि राम और श्याम दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो बॉथ के साथ अभी मैंने आपको बताया क्या आता है, एंड आता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एज वेल एज और ये सारे चीज करके दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो आंसर होगा वह आपका एंड, मतलब ये आपका दो नंबर गलत है, एज वेल एज वहाँ पे हम लोग एंड आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बोथ राम एंड श्याम, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट है ये आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे एज एडजेक्टिव बीच में होता है और फिर एज होता है या सो एज। ओके, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एज एज का जो हम लोग यूज करते हैं ये अफर्मेटिव के लिए आता है, जबकि सो एज का जो यूज करते हैं वो निगेटिव वर्ड्स के लिए आता है, और इसी में क्या होता है कि इसका फिर बदल करके ऐसे दे देता है, किसी के साथ नॉट होगा तो एज और एज, तो एज एज का अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में भी यूज किया जाता है। चलिए अब इसमें हम लोग जैसे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आप देख सकते हैं राम इज एज गुड एज यू, दो व्यक्तियों की कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो राम इज एज गुड एज यू जैसे एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि ही इज नॉट सो गुड एज आई, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सही है। आपको ये सारे चीज जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें होगा, ठीक है, जो कि लगभग कल मैं करा दूंगा इसे प्रैक्टिस सेट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं ये है वेदर और तो वेदर अगर कहीं पे दिखाई देता है तो उसके साथ कंजक्शन और का यूज किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है, तो और का यूज किया जाता है, इसके बाद हमेशा डैट का यूज करके क्वेश्चन दिया गया रहता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे क्वेश्चन इसके साथ आता है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसे आता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि आई डोंट नो डैट ही विल कम और नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि आपको कहाँ पे गलत है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये, जैसे ये वन हो गया, टू थ्री,
ये 4 में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप और नॉट, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 4 नंबर जो है वहाँ पे और नॉट का यूज किया गया है, और नॉट का। ओके, तो जैसे ही यहाँ से और नॉट लास्ट में लगा हुआ है तो वेदर और लेता है, तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। डैट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे, ये वेदर का। ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए नंबर 6 में ये बताया गया है कि जैसे हार्डली हो या स्कैर्सली हो, इसके तुरंत बाद अगर कोई कंजक्शन आता है तो वे वेन और बिफोर, क्या आते हैं, वेन और बिफोर का यूज किया जाता है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ही टेलीफोन्स बेल रिंग। ठीक है, जैसे ही उसने ऑफिस गया मुश्किल से, तैसे ही उसका क्या हुआ, जो टेलीफोन का रिंग था वह बजा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट में हार्डली है, ठीक है, और यहाँ पे कंजक्शन क्या यूज किया गया, डॉट सॉरी डैट, तो आपका पार्ट 3 गलत हो जाएगा। और डैट की जगह हम लोग या तो वेन कर सकते हैं या बिफोर कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया हो वैसे हम लोग कर सकते हैं। उसके आगे जो टॉपिक है वह है रेदर और अदर, इसके बाद जो कंजक्शन आता है वह देन आता है, आप यहाँ से देख सकते हैं देन आता है, ठीक है, इसके बाद तो रेदर और अदर्स के बाद। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको एक पढ़ के सुना रहा हूँ कि आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट ए जॉब, मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब काम नहीं है जॉब पाने का, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे अदर लिखा गया और उसके साथ कंजक्शन क्या आया है, बट टू, तो ये आपका गलत हो गया, इसके जगह पे देन आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में भी मिलेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले नहीं अगर कंजक्शन से आते हैं तो। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जैसा देखते हैं, आई वुड रैदर हैव द बैट नॉट द बॉल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आई वुड रैदर मतलब मैं बैट्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ बॉल से, ये इसका मीनिंग होने वाला है। लेकिन आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे नॉट कंजक्शन का यूज किया गया जो कि गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देन, यहाँ पे देन कंजक्शन हो जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो अभी देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो नॉट और नेवर होते हैं उसके साथ अगर कंजक्शन आता है तो वह और आता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो होगा वह एंड या बहुत सारे अदर कंजक्शन का यूज करके दिए जाते हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ लिखा हुआ दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हियर अबाउट हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है और ना उसके बारे में कभी सुना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है, नेवर, लेकिन नेवर के साथ नॉर ये कंजक्शन दिया हुआ है, तो ये तो सरासर गलत है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि नॉट और नेवर जो होता है उसके साथ हम लोग और के यूज करते हैं, तो यहाँ नॉर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ये है कि लिस्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, अगर वर्ब एक्जुलरी वर्ब या जो मॉडल वर्ब होते हैं वो शुड और भी वन प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग देता है। एक और चीज़ बता दो कि जो लिस्ट होता है उसके ये एक निगेटिव वर्ड है, तो अगर ये जिस भी सेंटेंस में यूज किया गया हो उसमें नॉट नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, तो अभी आपको बताया गया कि लिस्ट के साथ जो होता है शुड के यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, मे एग्जिलरी वर्ब जो है मे है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग शुड के यूज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनलेस और अनटिल दो दिया गया है, इसके तुरंत बाद अगर कोई सेंटेंस चालू होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट अर्थात सब्जेक्ट भी वन प्लस ऑब्जेक्ट में होता है, और उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है वह सब्जेक्ट विल प्लस भी वन में होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये दोनों जो है अनटिल और अनलेस ये निगेटिव वर्ड है, इसके बाद नॉट का यूज नहीं किया जा सकता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो अनटिल होता है वह टाइम को बताता है कब तक,
और जो अनलेस होता है वह कंडीशन को बताता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है यू कांट डू वेल अंटिल यू प्रिपेयर योर सेल्फ। अंटिल यू कांट डू वेल, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से तैयार ना कर लें। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको अगर मीनिंग इसका देखिएगा तो कंडीशन का पता चल रहा है, और अंटिल जो होता है वह किसके लिए आता है, टाइम के लिए, ओके। और जो अनलेस होता है, अनलेस वह कंडीशन के लिए आता है, तो यहाँ से तो अनटिल है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, अनलेस, ओके। चलिए अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि है बिकॉज, सिंस, एज, के बाद, देयर फोर, सो, दस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो सो, दस, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता, बिकॉज, सिंस और एज के बाद समझे तो कोई कंजक्शन नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में दिया जाता है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिकॉज ही कम लेट, देयर फोर ही फेल टू सी मी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिकॉज से स्टार्टिंग है और देयर फोर इसमें कंजक्शन का यूज किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं देयर फोर कंजक्शन का, तो ये सरासर गलत है, यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं होगा, बस कोमा का यूज हम लोग करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यदि किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो कि डब्ल्यू एच वर्ड हो से चालू हो या कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो उसके पहले हम लोग डैट का यूज या कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, ओके। लेकिन एग्जाम में हमेशा डैट का यूज करके दिया होता है, यही इसमें बताया गया है। चलिए अब हम लोग इस पर जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है ही आस्क्ड मी डैट व्हाट ही वाज, आप यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, यहाँ डैट और यहाँ वाट है, तो वाट जो हुआ एक डब्ल्यू एच वर्ड हुआ और उसके तुरंत पहले डैट का यूज किया गया, जो कि क्या है, गलत है, यहाँ पर डैट नहीं होगा। अगर ये बोले क्या होगा, तो ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। जैसे एक इसमें सही भी बताया गया है, जैसे ये देखिए आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, ये एक सही सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इसमें देखते हैं, लास्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इल्स के साथ जो होता है बॉट, इल्स के साथ बॉट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे चलिए आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है नो बडी इल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज एक्टिविटीज। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इल्स के तुरंत बाद बट का यूज किया गया, तो ये तो सही है, नो एरर। आप जो भी लोग मेरे वीडियो को देखें, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी लोग नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर कर दें।